दिल्ली की सर्दी। आज है रविवार, संडे 30 जनवरी 2022। और मैं किसी हिल स्टेशन पे नहीं हूँ, ये अशोक विहार का सबसे बड़ा पार्क, जिसको हम लोग बचपन से जानते हैं पिकनिक हट के नाम से, ये वो है पिकनिक हट। आई गेस पिछले 30-35 सालों से है यहाँ पर, और यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग, बच्चे, मिडल एज्ड, यंग पीपल, बूढ़े लोग, सब आते हैं सुबह शाम सैर करने, वॉक करने। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड होने के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ संडे को विटामिन डी लेने, यानी धूप सेकने। बच्चे आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, यहाँ तक कि बच्चे ही नहीं, आपको बड़े लोग भी, वो सामने जो देख रहे हैं वहाँ पर एक्चुअली एक बड़ी प्रोफेशनल पिच जो है वो डाल रखी है और लोग वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, मैचेस होते हैं जनाब, बड़े बड़े। देखिए क्रिकेट मैच, एंड व्हाट अ शॉट। कमेंट्री देने का मन करता है कभी कभी। ओह, मिस्ड द कैच। इस पार्क को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, और इस गेट से बाहर निकल के दूसरा पार्क शुरू हो जाता है। ये देखिए, दोनों तरफ आप किधर भी जा सकते हैं। चलते हैं आगे थोड़ा, काफ़ी है मैंने, बिकॉज लोग कम हैं यहाँ, और वैसे भी वॉक कर रहा हूँ। सो बॉम्बे मुझे 7 साल रहा मैं, और बॉम्बे बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा मिस करता था बॉम्बे में, वो थी दिल्ली की ये सर्दी, और उस सर्दी में ये धूप, इसका एक अलग ही फ्लेवर है। और बस यही इंजॉय कर रहा हूँ आज। देखिए यहाँ सीधा आने के बाद फिर दो रास्ते कट रहे हैं, क्योंकि सामने फिर पार्क है। इतने पार्क्स हैं इस पिकनिक हट में, आप चलते चलते थक जाएंगे, ये पार्क्स ख़त्म नहीं होंगे। लोग यहाँ पर बेर तोड़ रहे हैं, बच्चे, और खूबसूरत हरियाली। मेरे पापा और मेरी मम्मी यहाँ ऑलमोस्ट रेगुलरली आते थे वॉक करने के लिए, फादर तो मेरे खास तौर से। 2010 में फादर की डेथ हुई और मम्मी ने यहाँ आना छोड़ दिया, मैं बॉम्बे चला गया, अब बॉम्बे से वापस आया हूँ। सो ये पहली बार है कि मैं बॉम्बे से वापस आने के बाद पिकनिक हट घूमने आया हूँ संडे को। बीच में कई बार मैं आता था, जब डेली आता था तो मैं यहाँ घूमता था, और सच में ऐसा लगता था जैसे वापस साथ ही चल रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे इतनी शांति है, इतनी हरियाली है, यू आर सो क्लोज टू द नेचर दैट आई फील एज इफ यू नो मैं अपने पापा के साथ हूँ। जो लोग इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे, मे बी वो शायद बोर हो जाएंगे, उनको लगेगा यार पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, बट ये चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, ज़िंदगी नहीं रुकती, बस आपकी ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके आपको छोड़ देते हैं, और फिर आपको अपनी टांगों पर खुद खड़ा होना पड़ता है। ये देखिए, संडे का दिन हो तो भीड़ ही भीड़, और रास्ता खाली है, आप आराम से वॉक कर सकते हैं। और इस धूप में शोएब अख्तर साहब बॉलिंग करते हुए, और बहुत ही उम्दा शॉट, कैच छूट गई, कैच छोड़ दी गई, कमेंट्री करने का मन करता है बहुत। ये देखिए, ये पिछले 20 साल से पत्थर लगे हुए हैं ऐसे ही, और आगे अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने, ये क्या है, बजरी तो नहीं है ये, दिस इज़ वेरी गुड, जो भी है। ये सामने जो आप ढांचा देख रहे हैं पिकनिक हट का, मैं थोड़ा पास में ला के दिखाता हूँ आपको। मैं जब छोटा था तो हम दोस्त लोग यहाँ आके बैठा करते थे, आज उन दोस्तों में से मेरी किसी से भी नहीं है। ये बस एक, अब इसकी सिग्निफिकेंस तो मुझे नहीं पता, मैं नेट पे देख के कुछ बताऊंगा आपको। और ये सामने चबूतरों पे हम बैठते थे, और मुझे अभी तक याद है
एक दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था और फिसल गया, और नीचे झाड़ियाँ होती थी तो झाड़ियों में जाके गिरा मैं यहाँ से, ए यहाँ से यहाँ पे। अब तो चलिए यहाँ कुछ है नहीं, बट ये जो यहाँ माली वगैरह रहते हैं ये उनका घर है, और सामने फिर बच्चों के खेलने की जगह, और ये वही पार्क जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये कहा जाता है कि यू नो व्हेन यू लूज वन पेरेंट यू गेन वन स्टार, और जो गए हैं वो आपके आसपास ही हैं, लेकिन इस जगह पर आकर मुझे सच में अपने फादर की बहुत याद आती है। बिकॉज मैं बहुत बार उनके साथ यहाँ घूमने आया हूँ। चलिए साहब, बीमारी के बाद सर्दियों में धूप सेकने का मज़ा आनंद बिल्कुल अलग होता है। मैं इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, ये बहुत टाइम बाद मैं आया था तो सोचा आपसे ये चीज़ शेयर करूँ। जाते जाते आपकी कसम का वो गाना याद आ गया कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते। आपका बचपन, आपकी जवानी, कुछ वापस नहीं आता साहब। बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब रास्ता ख़त्म हो जाए। बाय बाय।